नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। हम मानव श्रृंखला जो है वो बनाया गया है पूरे बिहार में। पटना की बात करें तो पटना में इस वक्त हम मौजूद हैं और मानव श्रृंखला के लिए आप देख सकते हैं कि जो तमाम बच्चे हैं स्कूल के, वो जो है आज मानव श्रृंखला में एक लाइन से एक कतार में खड़े हैं। कुछ बच्चों के पैर में देखेंगे तो शायद जूता भी जो है वो नहीं है, मगर मानव श्रृंखला में जो है इन बच्चों को खड़ा कर दिया गया है। जो बच्चे हैं उनके पैर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि चप्पल में कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, जूते जो प्रॉपर स्कूल ड्रेस होता है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बावजूद जो है छात्र जो है यहाँ पर खड़े हैं। हम कुछ छात्राओं से जानते हैं कि आज आप खड़ी हैं इस लाइन में किस लिए खड़ी हैं? किस लिए खड़ी हैं? जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। मानव श्रृंखला, मानव श्रृंखला श्रृंखला के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्या होगा इससे, खड़े होकर क्या होगा उससे? मतलब हमारे धरती पे पेड़ लगाएंगे और पानी सब ये सबको बचाएंगे। और क्या बोल कर क्या बुलाया गया, क्या बोला गया था स्कूल में? जल जीवन हरियाली। क्या करना उसमें? पेड़ को बचाना है सर, पानी को बचाना है, पेड़ को नहीं काटना है और पानी को बंद जाने, जल को व्यस्त नहीं करना है। शराब बंद है बिहार में? यस सर। नहीं नो सर, नहीं नहीं बंद, नहीं बंद है। कैसे पता आपको नहीं बंद है? मतलब देखे हैं रोड पे। कहाँ देखा आपने? मैं अपने एक कॉलोनी में देखी। कॉलोनी में देखती है? अच्छा, तो ये छात्राएं हैं, ये मानव श्रृंखला में जो है वो खड़ी हैं। उनसे हम बात कर रहे थे, वो बता रही थी कि आखिर जो मानव श्रृंखला में जो बच्चियाँ खड़ी हैं वो किस वजह से खड़ी है। और जो कुछ छात्राएं हैं स्कूल ड्रेस भी आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है वो यहाँ पर स्कूल ड्रेस भी मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी जो है इन छात्राओं को आज मानव श्रृंखला के कतार में खड़ा कर दिया गया है। इस पूरे के पूरे आप एरिया को आप देख सकते हैं कि मानव श्रृंखला जो बनाया गया है इसमें जल जीवन हरियाली को लेकर के लोगों को जो है बताया जा रहा है और इसीलिए जो है मानव श्रृंखला बताया गया। मगर जानकारी आप देख सकते हैं कि जो छात्राओं को स्कूल से बुलाया गया है उन्हें कितनी जानकारी दी गई है इस जल जीवन हरियाली को लेकर के। किस स्कूल से है? दयानंद विद्यालय प्लस टू हाई स्कूल, प्लस टू मीठापुर। आप लोगों ने अभी जो आप लोगों ने जूते भी नहीं पहन रखे हैं, जूते नहीं पहन रखे क्या कहेंगे इस बारे में? ठंड नहीं लगती है? हम तो कपड़े पहने हैं, जूते हैं अभी। कारी नहीं था। आप तो स्वेटर भी नहीं पहन के निकले हैं। सुबह तो अनरेस्पेक्टेड पहने हैं। अच्छा, क्या मतलब क्या होता है इसका? इसलिए खड़े हैं, क्या मतलब है इसका? क्या करेंगे?